ऊना गांव में वृक्ष रक्षा जन सुरक्षा के तहत जन जागरूकता लाने के लिए डीएफओ और जिला पंचायत अध्यक्ष ने विशाल साल के पेड़ को रक्षा सूत्र बांधा। वन रक्षक पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। डीएफओ उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि साल 2005 में वन विभाग लगातार पेड़ों पर राखी बांधने की परंपरा निभाता आ रहा है और बड़े पैमाने पर पूरे जिले में वनकर्मी पेड़ों को राखी बांध रहे हैं। पेड़ों को बचाने के लिए हम जनता का सुरक्षा के जन जागरण से जोड़ने के लिए पेड़ों को राखी बांधने का कार्यक्रम करते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं इतना बड़ा विशाल जो राखी हमने बांधा है ये 2005 से यहाँ चालू हुआ था, 16वां वर्ष है इसका। रक्षाबंधन के मौके पर रायपुर कलेक्टर, एसएसपी और जिला पंचायत सीईओ ने नारी निकेतन और शासकीय बालिका गृह पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं के हाथों से राखी पहनी। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं को उपहार स्वरूप कोरोना किट और स्मार्टफोन दिए। कलेक्टर और एसपी को अपने बीच पाकर घर परिवार से दूर महिलाओं और बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। इस दौरान महिला समूह के द्वारा बनाई गई राखियों का इस्तेमाल किया गया। सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज उस वक्त भावुक हो गया जब महिला मेडिकल स्टाफ ने पीपीटी पहनकर हाथों में राखी और मिठाई की थाली सजाकर वार्ड में पहुंची। मरीजों की गलाइयों पर रक्षा राखी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। कोरोना मरीजों को रक्षाबंधन पर बहनों की कमी महसूस नहीं हो इसको लेकर सभी नर्सों ने पहल करते हुए अस्पताल में भर्ती 44 मरीजों की राखी बांधी और रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। वहीं महासमुंद जिले में भी रक्षाबंधन का पर्व नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम के साथ मनाया गया। सावन का अंतिम सोमवार होने के चलते श्रद्धालुओं ने शिवालयों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पूजन अर्चन की। इसके बाद युवतियां और महिलाओं ने अपनी अपनी घरों में भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी सुरक्षा का वचन लिया। वहीं भाइयों ने उपहार देकर बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। रायगढ़ में पुलिस ने कोरोना संक्रमण के दौरान रक्षाबंधन में एक रक्षा सूत्र मास्क का अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस ने जिले में 12 लाख से अधिक मास्क वितरण कराए और 15 लाख मास्क वितरण का लक्ष्य रखा गया। रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए रायगढ़ पुलिस ने एसपी संतोष सिंह के नेतृत्व में मुहिम की शुरुआत की। शुरुआत में 1 लाख मास्क वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था। देखिए, एक पुलिस के द्वारा ये अभियान चालू किया गया है मास्क वितरण का और जनरली पुलिस के बारे में यही कहा जाता है कि जो मास्क पहना नहीं है उसके लिए फाइन लगा रहे हैं, लेकिन आज साथ ही साथ इस तरह के एक अभियान चलाकर बृहद रूप में जिले में मास्क वितरण का कार्यक्रम पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। जिला पुलिस द्वारा अकेले 12 लाख से अधिक मास्क बांटे जा रहे हैं, प्लस अन्य संस्थाएं जो हैं वो भी मास्क बांट रहे हैं। हम लोग एक लगभग 12 से 15 लाख के बीच का कुछ मास्क पूरे जिले में बटे हैं। रक्षाबंधन पर कांकेर के मर्दापोटी कलस्टर के 17 गांव के ग्रामीणों ने वृक्ष रक्षा मितानन कार्यक्रम का आयोजन किया। कुलगांव में हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने रक्षा सूत्र बांधकर उसे बचाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में कांकेर के विधायक शशिपाल सूरी और मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी ने कहा कि रक्षाबंधन पर इस क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा वृक्षों को बचाने का संकल्प लेकर नया संदेश दिया गया। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पे जो है सब हमारे 17 गांव के युवा समूह यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ग्रामीण जन उपस्थित हुए हैं, हमारे शहर की बहनें भी यहाँ पे आई हैं और सभी एक प्रेरणा के साथ जो है एक पूरे देश में एक संदेश जाए इसलिए रक्षाबंधन के पर्व पे आज संकल्प लेने का भी काम हुआ है कि हम पेड़ों को लगाएंगे, जंगल को बचाएंगे, उसको बढ़ाएंगे और अपने गाँव को स्वावलंबी बनाएंगे। राजनांदगांव में पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। कोरोना काल में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को जागरूक करने के व उनकी सुरक्षा को देखते हुए
महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने ऐसे लापरवाह लोगों को राखी बांधकर उन्हें घर में सुरक्षित रहने की हिदायत दी। पुलिस विभाग के इस अनोखे जागरूकता अभियान से कुछ लापरवाह भाइयों ने भी इस काम की सराहना की और मास्क लगाने का वचन भी बहनों को दिया। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, अनावश्यक रूप से घर से निकल रहे हैं, तो उनको चालान करने के साथ, समझाइश देने के साथ ही हम लोग रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं और ये वचन ले रहे हैं कि जैसे बहने रक्षाबंधन पे कोई ना कोई उपहार लेती हैं भाइयों से, तो उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि वो बिना मास्क के घर से न निकले, खुद भी सुरक्षित रहे जिसके कारण सारे लोग सुरक्षित रहे। ऐसा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है।